एक दूसरे को मिटाने पर तुले दो देश, बेरहमी ऐसी, बच्चों और महिलाओं तक की हत्या, हर तरफ लग रहे लाशों के ढेर। इसराइल ने लेबनान में मचा दिया कत्लेआम, भीषण रक्तपात से अमेरिका भी हिला, अमेरिका ने भेजी सेना, दूसरे देश भी जुटे, क्या अब विश्व युद्ध होने वाला है? बड़ी खबर सामने आ रही है, इसराइल ने लेबनान में भयंकर तबाही मचा दी है। इसराइल ने यहां बैक टू बैक 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 492 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 58 महिलाएं और 35 बच्चे शामिल हैं। 1645 लोग बेहद गंभीर घायल हैं। अल जजीरा के मुताबिक 2006 में इसराइल लेबनान जंग के बाद लेबनान पर हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। लेबनान में 25 सितंबर तक के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लोग सुरक्षित जगहों पर जाते देखे गए हैं। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। इसराइल का यह लगातार चौथे दिन मिसाइल हमला था। इस दौरान लेबनान के शहरों पर 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, जिनमें अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं लेबनान से पलटवार की आशंकाओं के बीच इसराइल में एक सप्ताह की इमरजेंसी लगाई गई है। रक्षा मंत्री योव गलांट के कहने पर इमरजेंसी पर कैबिनेट के मंत्रियों ने फोन से वोटिंग की। लेबनान की टेलीकॉम कंपनी ने कहा कि सोमवार को देश भर में 80,000 लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल आया। इसमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया था। कंपनी ने कहा कि कॉल कहां से किए गए इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इजरायली सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लोगों के अपार्टमेंट्स में मिसाइल लॉन्चर छुपा रखे हैं, वहीं से वे इसराइल पर हमला करते हैं। इसराइल इन इमारतों को नष्ट करना चाहता है, इसलिए इसराइल ने यहां रहने वाले आम लोगों को घर छोड़कर चले जाने को कहा। इसराइल के मुताबिक आईटीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली कराकी के ठिकाने पर हमला किया था। कराकी दक्षिणी लेबनान इलाके का कमांडर है। वो इस हमले में मारा गया या नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के बाद अली कराकी दूसरे नंबर का नेता बताया जाता है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के 2 टॉप लीडर पहले ही मार चुका है। टॉप कमांडर इब्राहिम अकील शुक्रवार को एयर स्ट्राइक में मारा गया था। अगस्त में हिजबुल्लाह का चीफ कमांडर फुआद शुक्र भी मारा गया था। वहीं लेबनान पर हमले को ईरान ने इसराइल का पागलपन बताया, साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। वहीं हमास ने भी लेबनान पर इसराइल हमले की निंदा की है। हमास ने कहा कि एक वॉर क्राइम है। इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के नाम संदेश जारी करके कहा कि जो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या सोचेगा, उसे बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस बीच सामने ये भी आ रहा है कि इस हमले ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए अपनी सेना भेज दी है। वहीं कई देश लगातार इस युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से दुनिया भर में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है।